जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में अपना इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूस टेंस हो चुका था। आज अपन तीसरा टाइप ले रहे हैं, परफेक्ट टेंस। बात करते हैं दोस्तों परफेक्ट टेंस की। तो परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, दिया है, दी है आदि शब्द आते हैं। चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, की है आदि शब्द जो है इसमें आते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ये शब्द आ रहे हैं क्रिया के साथ में, तो इसका मतलब ये होता है कि ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें अपन, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज और हैव। एक तो है हैज। हैज किसके साथ लगती है दोस्तों? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ तो लगती है हैज। और अगर हैव की बात करें तो बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ जो है ये हैव लगती हैं। ठीक है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात और कहना चाहूँगा कि चाहे प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर हो या पास्ट, सभी टेंस में परफेक्ट टेंस की जब भी बात आएगी वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये बात आप विशेष ध्यान रखना। चलिए लेते हैं इसमें अपना पहला टाइप, एफर्मेटिव सेंटेंस या एसरेटिव, या फिर आप पॉजिटिव भी कह सकते हो। पहला टाइप अपना एफर्मेटिव। मतलब सकारात्मक। ठीक है। सेंटेंस लेते हैं। सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स। ठीक है, ये हुआ इसका फॉर्मूला। सेंटेंस लेते हैं इसमें, जैसे सुमित जा चुका है, सुमित जा चुका है, मतलब इस टेंस में कोई काम हो चुका हो वो सेंटेंस इसमें आते हैं, लेकिन लास्ट में पीछे है जरूर होता है। तो सुमित जा चुका है मतलब ये काम हो चुका है जाने का, तो जाम सुमित जा चुका है। तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या रखेंगे? सुमित, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, सुमित थर्ड पर्सन है, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, लेफ्ट निकल चुका है, जा चुका है, सुमित हैज लेफ्ट। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। बिल्कुल सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ भी वो नहीं है। अगला सेंटेंस लेते हैं, सीता जयपुर चली गई है, सीता जयपुर चली गई है, सब्जेक्ट सीता, हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर, चली गई है गॉन थर्ड फॉर्म, कहाँ गई है ऑब्जेक्ट टू जयपुर। ठीक है, और लेते हैं इसमें, उसने मेरी पुस्तकें लौटा दी हैं,
उसने मेरी पुस्तकें लौटा दी हैं। तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट उसने, वह, ही, हेल्पिंग वर्ब हैज, लौटा दी रिटर्न्ड, माय बुक्स, माय बुक्स, जैसे और रहते हैं, हम खाना खा चुके हैं, हम चुके हैं, क्या सब्जेक्ट वी, अब चूंकि वी थर्ड पर्सन नहीं है तो हैव आएगा, वी हैव खा चुके हैं, ले चुके हैं, टेकन, आप यहाँ ईटन भी कर सकते हो लेकिन खाने के और लेने के इसमें ये टेक क्रिया आ जाता है, टेकन फूड, वी हैव टेकन फूड। और लेते हैं जैसे तुम चाय बना चुकी हो, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू। अब तुम क्या है, थर्ड पर्सन है क्या, नहीं है, यू हैव प्रिपेयर्ड, तैयार कर चुकी हो, बना चुकी हो, ठीक है, समझ में आएगा। ये थे अपने कुछ पॉजिटिव सेंटेंस, अब लेते हैं इसी का नेगेटिव, नेक्स्ट टाइप नेगेटिव, नेक्स्ट है अपना नेगेटिव, या नकारात्मक, जिसमें न हो, मना किया जा रहा हो, वो फॉर्मूले की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें होता है सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, ठीक है, फिर वापस वही वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक है। फर्क यह है कि यहाँ वर्ब से पहले जो है नॉट लग जाएगा। सेंटेंस लेते हैं इसमें, तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया है, तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया है। सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तुम, यू, यू, हैज हैव में क्या आएगा, हैव, थर्ड पर्सन नहीं है तो हैव, यू हैव नॉट जवाब नहीं दिया है, नॉट रिप्लाइड, यू हैव नॉट रिप्लाइड मेरे मैसेज का, टू माय मैसेज, ठीक है, देखा आपने। और लेते हैं, उन्होंने हमें पत्र नहीं भेजा है, तो उन्होंने मतलब उन्होंने, दे हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हैव, दे हैव नॉट सेंड दे हैव नॉट सेंड लेटर टू अस, टू अस। नेक्स्ट लेते हैं जैसे, वह अभी तक नहीं गया है, वह अभी तक
नहीं गया है। क्या हो जाएगा इसका? ही हैज, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही हैज नॉट गॉन येट, अभी तक, ही हैज नॉट गॉन येट। अगला और ले लेते हैं, पंकज काम के लिए ऑफिस नहीं गया, पंकज काम के लिए ऑफिस नहीं गया है। क्या हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट? पंकज, पंकज थर्ड पर्सन है तो हैज, पंकज हैज नॉट, कहाँ नहीं गया है, नॉट गॉन टू ऑफिस फॉर वर्क, काम के लिए, तो ये देखिए आपने नेगेटिव सेंटेंस। अब लेते हैं अपन अगला इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इंटरोगेटिव फॉर्मूले की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा अपना डब्ल्यू एच फैमिली अगर है तो, नेक्स्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हैज या हैव, हैज या हैव के बाद में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स, क्वेश्चन मार्क लगाना न भूले, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ड की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। सेंटेंस लेते हैं, क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, तो इसका हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है, इसलिए डब्ल्यू एच नहीं रखेंगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब और आप यानी तुम, तो क्या आएगा? हैव, हैव यू, सब्जेक्ट हो गया आपका हैव यू, क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? पूरा करना यानी कंप्लीट, हैव यू कंप्लीटेड अपना होमवर्क, योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, क्या राम स्कूल चला गया है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज, क्योंकि राम थर्ड पर्सन है, हैज राम गॉन टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, क्या उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है? क्या उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है? क्या जाएगा? हैज, उसने मतलब वो मेल और फीमेल कुछ भी हो सकती है, हैज सी, हैज सी पूरी पढ़ाई पूरी कर ली, फिनिश कर ली है क्या? फिनिश्ड, हैज सी फिनिश्ड हर स्टडी, हर
स्टडी, अगर यहाँ ही होता तो हिज स्टडी हो जाता, यहाँ सी है तो हर स्टडी हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, जैसे तुमने रामायण कैसे पढ़ी है, हैं ठीक है, मतलब पढ़ने का काम हो गया है, पढ़ लिया तुमने तो कैसे पढ़ी है ये पूछ रहा हूँ। तो सबसे पहले डब्ल्यू एस फैमिली, डब्ल्यू एस फैमिली में क्या आएगा, हाउ हाउ। अब तुम चूंकि तुम थर्ड पर्सन नहीं है तो क्या आ जाएगा, हैव हाउ हैव सब्जेक्ट यू रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड, हाउ हैव यू रीड द रामायण, रामायण क्या कहते लगता है क्योंकि ये यूनिक है, हाउ हैव यू रीड द रामायण, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस थे कुछ अपने इंटरोगेटिव के। नेक्स्ट टाइप लेते हैं अपन इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। नेक्स्ट टाइप हो गया अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव। प्रश्नवाचक नकारात्मक फॉर्मूले की बात करते हैं, इसमें फॉर्मूला हो जाएगा हैज हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। सेंटेंस लेते हैं जैसे क्या राम खेलने नहीं गया है, क्या राम खेलने नहीं गया है, अब देखिए सबसे पहले क्या लगेगा, हैज या हैव, तो राम थर्ड पर्सन है तो हैज, सब्जेक्ट राम, नॉट गया है थर्ड फॉर्म गोन, टू प्ले या फॉर प्ले, हैज राम नॉट गोन टू प्ले। नेक्स्ट लेते हैं जैसे उसने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया है, ठीक है, डब्ल्यू एस फैमिली वाई क्यों, हैज या हैव उसने, वह थर्ड पर्सन वाई हैज, अब लड़का है तो ही आ जाएगा, लड़की है तो सी, वाई हैज ही नोट जवाब नहीं दिया तो रिप्लाइड, मेरे मैसेज का टू माई मैसेज, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लेते हैं तुमने अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया है, ठीक है क्या हो जाएगा, क्यों आया, डब्ल्यू एस फैमिली वाई, हैज या हैव तुम है रहा, वाई हैव क्योंकि ये थर्ड पर्सन नहीं है, वाई हैव यू नॉट गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया, वाई हैव यू नॉट कंप्लीट और थर्ड फॉर्म है तो कंप्लीटेड अपना गृह कार्य योर होमवर्क, योर होमवर्क, ठीक है। और लेते हैं क्या वे ट्रेनिंग के लिए अजमेर नहीं गए हैं, तो क्या रखेंगे, सबसे पहले वे आ रहा है तो क्या रखेंगे, वे तो हैव दे
नोट गए हैं कौन? टू अजमेर। किस लिए? फॉर देयर ट्रेनिंग। देयर ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग। देखा आपने। नेक्स्ट लेते हैं कि कौन कॉलेज नहीं गया है। अब देखिए ये थोड़ा बिना जो है सब्जेक्ट का सेंटेंस है, जैसे कॉलेज कौन नहीं गया है, अब इसमें जो ये देख रहे हो आप कौन शब्द जो आया है, ये तो अपना डब्ल्यू एच फैमिली का हो गया, प्रश्न वाचक हो गया। तो अब सब्जेक्ट क्या है? तो दोस्तों यही सब्जेक्ट है अपना, और जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है और ये सबसे पहले आ गया तो फिर सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अब डब्ल्यू एच फैमिली लेंगे सबसे पहले तो हु कौन, हु, अब कौन इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर ही माना जाएगा, हु हैज, हु हैज, ठीक है। अब सब्जेक्ट की जगह ये हो ही गया, अब डायरेक्ट नोट लग जाएगा, हु हैज नॉट गॉन टू कॉलेज। ठीक है, ये थे दोस्तों अपने इंटरोगेटिव नेगेटिव के जो है कुछ सेंटेंसेस। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहीं पे हमारा पूरा होता है आज परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप भी अपने स्तर पे कुछ सेंटेंस बनाइएगा, 5-10 सेंटेंस हर टाइप के अपने स्तर से बनावे, जिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपको ज़्यादा जो है समझ में आएगा। नेक्स्ट जब टाइप लेंगे आप अपन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।